हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे क्योंकि लॉकडाउन भी अभी चालू है। दोस्तों एक न्यूज़ आ रहा है, वो है इंडियन आर्मी की तरफ से टावर ऑफ ड्यूटी। ये क्या है? टावर ऑफ ड्यूटी जो है वो 3 साल के लिए युवाओं को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। ठीक है, अभी ये न्यूज़ आ रहा है क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है। ठीक है, ये टावर ऑफ ड्यूटी क्या है? ये टावर ऑफ ड्यूटी जो है ये है 3 साल के लिए सेना में युवाओं को योगदान देने के लिए मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है, शायद अगले साल में ये जो इसका जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए टावर ऑफ ड्यूटी जो है वो कैसे काम करेगा? ठीक है, टावर ऑफ ड्यूटी जो है वो युवाओं को, हमारे यूथ को 3 साल के लिए या फिर 5 साल या फिर कुछ ऐसा लिमिटेड पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत युवाओं को आर्मी में 3 साल के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं 3 साल के लिए आपने काम कर लिया। ठीक है, राष्ट्रों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माता के लिए। ठीक है, तो उसके बाद 3 साल के बाद मान लीजिए मैंने अभी टावर ऑफ ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब मेरा 3 साल के बाद मेरा तो नौकरी चले जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा और मैं कुछ और काम के लिए या फिर और नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर पाऊँगा। ये भी एक सही डिसीजन लिया है सरकार ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने टावर ऑफ ड्यूटी के लिए ज्वाइन किया, उसके बाद 3 साल काम किया फौज के लिए और मैं 3 साल के बाद मैं रिटायर्ड हो गया और मैं घर पे आ गया। उसके बाद मैंने कोई भी काम कर लिया, छोटा मोटा नौकरी हो, जब मेरा अनुभव हो जाएगा कि 3 साल का मेरा जो रिकॉर्ड है, जो मेरा डिसिप्लिन, जो मेरा मेंटल फिटनेस, ठीक है, वो सब मेरा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जब दूसरी कंपनी में काम करने के लिए जाऊंगा तो मेरा वो एक्सपर्टिस जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी कंपनी मुझे नौकरी देने के लिए उतना बेझिझक होगा क्योंकि मैं पहले से ही रूल रेगुलेशन, ठीक है, वो सब में मिला हुआ हूँ। अब आते हैं इस पर इकोनॉमी के लिए भी थोड़ा अच्छा है क्योंकि पहले एक अफसर के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपया, आप याद कर लीजिए 8 करोड़ रुपया जाता था। आप 12 अफसर के लिए कितना जाएगा? 8 करोड़ नहीं जाएगा क्योंकि जब मान लीजिए मैंने परमानेंट नौकरी कर ली तो उसके बाद मुझे मेरा जब मेरा नौकरी जाएगा, मतलब जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो बहुत सारे फंड होता है। ठीक है, मान लीजिए पेंशन का फंड होता है एक, उसके बाद जब नौकरी जाएगा उसके लिए कुछ फंड देगा सरकार मुझे। ठीक है, तो ये सब जो पैसा है ये थोड़ा बहुत सेफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता हूँ, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अब कितना क्या होगा कि पैसा कम होगा थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं, आप जितना सोच सकते हैं उतना भी नहीं, थोड़ा कम होगा। कम पैसों में ज़्यादा लोग फौज में जा सकता है और ये अच्छा ही है क्योंकि देश के लिए हर बच्चे को योगदान देने का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले साल नौकरी के लिए अप्लाई किया है मुझे नौकरी नहीं मिली। आप थोड़ा, इसका मतलब ये भी नहीं कि पहला का जो प्रोसेस था, जो फिजिकल रिटेन, वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। आप ऐसा मत समझिए कि टावर ऑफ ड्यूटी जो है वो आप 3 साल के लिए चले गए उसके बाद घर आ गए, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो पहले की तरह ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा इस पर सेंस आ गया है। अब जो नया अपडेट आएगा तो आपको पहले से ही नोट मैं वीडियो बनाकर दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि देश के लिए योगदान देने का हक सब लोगों का है, हर हिंदुस्तानी का है, हर भाई बहनों का है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।
Thank you.